पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकमुपागतो ततो दृष्ट्वा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान नाना योनि समुत्पन्नान क्लिश्यमानान स्वकर्मभिः। भगवान की कथा 5 अध्याय में है और पहले अध्याय में भगवान की कथा की महिमा बताई। कहते नैमिषारण्य तीर्थ में और शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो कहते कलयुग में सभी जीव दुखी होंगे। और दुख का कारण क्या? कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन बिनु रहत उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। कहते जो भगवान, जिसके जीवन में भगवान की कृपा है वही सुखी है, बाकी पूरा संसार दुखी है। तो ऋषियों ने आपस में चिंतन किया, गुरुजी के पास गए, सूत जी महाराज को प्रणाम करके पूछा, महाराज उपाय जानते हैं तो कृपया बताइए। और सूत जी महाराज ने उपाय बताया कि भैया जैसे आज आप लोग हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, नारदे नैव संप्रष्टो भगवान कमलापतिः सुरर्षये यथैवाह तक्षणुध्वौ समाहिताः। कहते नारदे नैव संप्रष्टो, भगवान श्री नारद जी ने भी भगवान श्री नारायण से यही प्रश्न पूछा था। कहते पूछा, कहते भैया एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया। नारद जी परहित का भाव लेकर के अनेक लोकों में भ्रमण करने के पश्चात जब मृत्यु लोक में आए हैं, सभी को दुखी देखा तो कहते श्री वैकुंठं तदा गमत।
नारद जी ने जब सबको दुखी देखा वैकुंठ लोक में गए और वैकुंठ लोक में जाकर के भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। कैसे भगवान? शंख चक्र गदा पद्म और वन माला विभूषितम, है ना। ऐसे भगवान नारायण का दर्शन किया, प्रणाम करके पूछा, महाराज अगर आप कोई उपाय जानते हो तो बताइए। कौन सा उपाय? जिससे दुख दूर हो जाए। तो उन्होंने एक उपाय बताया। क्या उपाय? बोले सत्य नारायणम देवा यजेच्छेवनिशामुखे। कहते भैया जो सत्य नारायण व्रत को कर लेता है, भगवान की दिव्य कथा का रसपान करता है, भगवान के भगवान को दिव्य तुलसी दल अर्पित करता है, भगवान को भाव से आहुति प्रदान करता है, भगवान कहते हैं भैया उसके सभी कष्टों को मैं दूर करता हूँ, है ना। नारद जी ने चार प्रश्न पूछा। क्या पूछा? किम फलम किम विधानम च कृतंके नैव तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तरात्रुहि कदा कार्यं व्रतम। प्रभु, हे प्रभु, आपकी इस व्रत को कब करना चाहिए? किम फलम, क्या मिलता है इस पूजन को व्रत को करके, वो बताइए। किम विधानम च, विधान क्या है? कृतंके नैव, किसने किया? और चौथा प्रश्न, कदा कार्यं व्रतम। प्रभु, हे प्रभु, आपके इस व्रत को पूजन को कब किया जाए? भगवान ने कहा भैया किम फलम? कहते धन धान्य प्रवर्धनो सौभाग्य संतति करो। कहते धनहीन अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है तो धनवान बन जाता है। जो धान्यहीन है, जिसके जीवन में भोजन का अभाव है, कहते भगवत कृपा से उसके घर में धान्य भर जाता है। और जो उस कहते सौभाग्य संतति कर्म, जिसका विवाह नहीं होता उसका विवाह हो जाता है और संतान को प्रदान करने वाले, ये दिव्य व्रत है। कहते जिसकी जो कामना है भगवान की कृपा से सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। नारद जी ने दूसरा प्रश्न पूछा, किम विधानों च, ये भगवान विधान क्या है, कैसे करना चाहिए पूजन को? भगवान ने कहा भैया देखो जो अपनी शक्ति की श्रद्धा के अनुसार पूजन करिए। कहते भक्ति श्रद्धा समन्विता, कैसे करिए? रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य च चूर्णकम। कहते भगवान को दिव्य प्रसाद का भोग लगाइए, है ना, रवा का प्रसाद या गेहूं के चूर्ण का, किसी भी प्रकार का। पंचामृत से भगवान को स्नान कराइए, केले के पत्तों के द्वारा भगवान का मंडप बनाइए, भगवान को आसन दीजिए, भगवान को स्नान इत्यादि करवाइए, भगवान की कथा सुनिए, भगवान को भाव से आहुति प्रदान करिए, अपनी शक्ति के अनुसार करी, जिसका जितना सामर्थ्य है उतना करें, है ना। और कैसे करना है? बंधु बांधवैश्चैव, कहते बंधु बांधवों के साथ भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो बड़े प्रसन्न होकर के पूछा, महाराज किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम, किसने किया इस व्रत को, वो बताइए। कहते हैं शेष चार अध्याय में बताऊंगा। और चौथा प्रश्न है, कदा कार्य, हे भगवान आपकी इस व्रत को कब करना चाहिए? भगवान कहते हैं भैया कोई दिन तिथि वार नक्षत्र मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, जब याद आ जाए। और उसी दिन पूजन करने से भगवान कहते हैं सभी मनोकामना की पूर्ति कर देते हैं। और भगवान बताते हैं कि विशेषतः कलियुगे लघु उपायोस्ति भूतले, कलयुग में बहुत लघु उपाय, बहुत छोटा सा उपाय है। और कहते हैं जो इस उपाय को कर लेता है, भगवान कहते हैं भैया उसके सभी दुखों को मैं दूर करता हूँ, उसके जीवन में सभी प्रकार से सुख शांति मिलती है। शरीर को त्यागने के बाद वो जीव अंत में भगवान के धाम को जाता है। प्रेम से बड़ी वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरे अध्याय की कथा, कहते कश्येत कासे पुरे रम्ये यासीत विप्रो अति निर्धनः शत्रुभ्या व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले। कहते दूसरे अध्याय में एक ब्राह्मण देवता की कथा है। कहाँ रहते? काशी में रहते। और काशी में रहने के बाद भी बहुत दुखी थे। क्यों दुखी थे? कहते कुछ मिलता नहीं खाने को, मांगने निकलते कुछ मिलता नहीं। भगवान को बुलाते, हे प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए, भाव से भगवान को नित्य बुलाते। और मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ एक बार, ओ मेरा छोटा सा परिवार हरिया जाओ सुवन धार नित
बहती असुवन धार, हरिया जाओ एक बार, ए हरिया जाओ एक बार। बार बार बुलाते भगवान को, हे प्रभु दर्शन दीजिए और किसी प्रकार से जीवन का कष्ट दूर हो, हे प्रभु कोई उपाय बताइए। कोई उपाय नहीं मिलता। भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के पूछते हैं, बेटे तेरे जीवन में क्या समस्या है, क्यों किसको बुलाता है? कहते भैया मैं तो भगवान को बुलाता हूँ। बोले अच्छा क्यों बुलाता है भैया, क्या कमी है तेरे जीवन में? कहा भैया बहुत कमी है, मांगने निकलता हूँ कुछ मिलता नहीं, भूखा सोता हूँ, परिवार भूखा रहता है। उपाय अगर है बाबा, अगर कोई उपाय जानते हो तो कृपया उपाय बताइए। बोले हाँ भैया एक उपाय जानता हूँ, करो। बोले हाँ बिल्कुल करेंगे, आप बताइए। कहा भैया हम बड़े बड़े व्रत तो नहीं कर सकते है ना, आप क्या करिए छोटा उपाय करिए है ना, पहले छोटा उपाय करिए, इससे लाभ हो तब बड़ा बड़ा करना है ना, क्या करिए? कहते भैया पहले सत्यनारायण व्रत को करिए, बहुत छोटा सा व्रत है ना, दो घंटे भी भाव से जो बैठ जाए, दो घंटे भाव से जो सुन ले, कहते उसका बेड़ा पार। तो पूरा विधान जान करके रात में घर पे गए और रात भर नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई? कहा भैया जहाँ कुछ नहीं है वहां बोले केले का फल लगेगा, पंचामृत लगेगा, दूध दही लगेगा, हवन करने के लिए घी लाना पड़ेगा, कहां से लाएगा। पूरी रात बीत गई, प्रातः काल उठ करके और प्रातः काल उठने के पश्चात भाव से भगवान का स्मरण किया है, नित्य कर्म करने के पश्चात मांगने निकले हैं और संकल्प कर लिया। क्या संकल्प किया? आज मांगने में जो मिलेगा हे भगवान उससे पहले मैं आपका पूजन करूंगा है ना, और उसके बाद कुछ ग्रहण करूंगा। तब से नियम बन गया है ना, जब तक पूजा नहीं कर लेते कुछ खाते नहीं। अभी ब्राह्मण देवता निकल पड़े भैया, लोगों ने कहा महाराज आज बड़े चंदन टीका लगा के निकले हो सवेरे सवेरे, कहाँ जा रहे हो भैया? कहा भैया जा रहा हूँ पूजन करना है। बोले ठीक, कुछ भोजन तो करते जाइए। कहा भैया नहीं नहीं भोजन आज ना हो पाया, आज तो पहले पूजन होगा फिर भोजन होगा है। बोले कैसे किया जाए? बोले हमको कुछ देने की इच्छा है आपको, आज मन में श्रद्धा हो रही है और यही सब। कहते भैया समय यही है, समाज यही है, जब जेब में 10 लाख हो ना तो 10 लाख देने वाले 10 लाख लोग मिल जाते हैं, और जेब में फूटी कौड़ी ना हो तब कोई 1 रुपया दे तो बड़ी बात है। निकल पड़े कोई, आज सब देने को तैयार है। बोले भैया आप देना ही चाहते हैं, एक काम करिए ना, वहां मंदिर में पूजा होगी वहां दे देना, जो आपको देना होगा आपकी इच्छा। बोले क्या लोगे महाराज? दक्षिणा दे। बोले ना 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 दक्षिणा क्या आवश्यकता है, जो आपकी श्रद्धा, जो आपकी शक्ति। तो निकल पड़े भैया, जो ग्वाला था उसने दूध दही घी पहुंचा दिया, जो माली है उसने फूल तुलसी दुर्वा बेलपत्र पहुंचा दिया है ना, जो बनिया है उसने भैया चावल गेहूं इत्यादि पहुंचा दिया। वहां जब पहुंचे मंदिर में भगवान की पूजा के निमित्त, वहां देखिए सारी सामग्री उपलब्ध हो गई, लोगों ने सहयोग किया, बैठकर भगवान की दिव्य कथा को श्रवण किया, बड़ा आनंद आया। और ब्राह्मण देवता से प्रार्थना करी, प्रभु बस एक कृपा हो। क्या कृपा? इसी प्रकार से भगवान के प्रति प्रेम बना रहे है ना, क्यों? क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है ना, कब ऐसे कोरोना जन्ना जाने कितने, ये COVID-19 है, आगे COVID-20 और 21-22 है ना, 100 भी पहुंचे है ना, और कब तक ये इम्यूनिटी फाइट कर पाएगी, राव जय दे है ना। लेकिन फिर भी भगवत कृपा से अगर हम सुरक्षित हैं, पर सांसों का कोई भरोसा नहीं है। और जब तक शरीर है क्या कर लिया जाए, जितना हो उतना भगवत प्रेम हो, भगवान के प्रति मन में भक्ति जागृत हो, भगवान के प्रति मन में प्रेम जागृत हो, तो कहते हैं मनुष्य बनना सार्थक हो गया है ना। मनुष्य बनने के बाद लक्ष्य क्या है? कहते भगवान के चरणों में प्रेम। और ये जब हो गया तो कहते भैया फिर उसका जो भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है, भगवान कहते भैया उसका वो तो भाव से पार हो गया। अब इन्होंने कुछ और नहीं मांगा। ब्राह्मण देवता ने कहा भैया आशीर्वाद में क्या चाहिए आपको? बोला कुछ नहीं चाहिए, बस यही हो कि ये पूजा होती रहे मेरे द्वारा, इतनी सक्षम बनाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, भगवान की कृपा से आज बहुत आनंद आया है ना। और निकल पड़े भाव से भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया, घर गए, बच्चों को भी प्रसाद दिया। और पुनः जब उत्तर पूजन हेतु आए, देखिए बहुत सारी भोज्य सामग्री, मतलब आप जानते हैं परंपरा है अपने गांव की, लोग कच्चा सीधा देते चावल गेहूं आटा है ना, बड़ा सारा सामग्री दिखाई पड़ा। मन में भाव उठा कि चलो भैया इसको ले चले है ना, गरीबी दूर हो जाएगी, साल भर का तो ठिकाना भगवान ने कर दिया। पर लगा नहीं नहीं नहीं, आज तो हमने जो संकल्प किया था कि जो मिलेगा वो भगवान का, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और इस भाव से कहते जो मिला उसका महाप्रसाद बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, सबको प्रसाद दिया, पूरे गांव वालों को खिलाया और नियम बना लिया। अन्न दान की इतनी महिमा, देखो भैया पुण्य प्राप्त करने के 2 साधन जो तुरंत इंस्टेंट होता है, आज के जमाने इंस्टेंट है ना, खाना भी बनाना है तो इंस्टेंट बनना चाहिए, 2 मिनट में मैगी तैयार है ना, 1 मिनट में पॉपकॉर्न तैयार, इंस्टेंट चाहिए। और इंस्टेंट क्या हो? कहते भैया वही बात बताई कि अगर आपको इंस्टेंट पुण्य कमाना है तो तरीका है, एक क्या तरीका, या तो आप किसी भूखे को भोजन करा दें तुरंत पुण्य मिलेगा है ना, कोई भूखा है उसको खिला दीजिए, और दूसरा अग्नि में आहुति दीजिए,
जितनी आप आहुति देते जाएंगे उतना आपको पुण्य बढ़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम लोग ये हमेशा का कर्म था, प्रतिदिन का। लोग गुड़ घी से ही आहुति देते थे, गंगणपतये स्वाहा, ओम गौरी स्वाहा, जिसको जो आता था, चौरामाई दी बाबा, जिसको जिसकी याद है उसको भाव से खिलाते थे। आहुति देना मतलब खिलाना, दोनों खिलाना है, एक गरीबों को खिलाना और एक देवताओं को खिलाना, और उससे पुण्य बढ़ता है। और ब्राह्मण देवता का इतना पुण्य बड़ा भैया, इनकी गरीबी मिट गई। कैसे मिट गई? कहा जो जहाँ छोटी सी कुटिया थी, कहते वहां बहुत बड़ा आश्रम बन गया। कैसे बन गया? कहते भैया कोई चमत्कार नहीं है, वो कर्म करने लगे, सारे वृत्ति छोड़कर अब क्या करने लगे, ब्राह्मण देवता केवल भगवान की पूजा ही करने कराने लगे, है ना। और इसमें लोग बोले दक्षिणा कितनी, दक्षिणा बहुत लगती है, कितना, जिसका जितना सामर्थ्य है। विधान तो इतना है कि आप जो कमाते उसका दशांश दक्षिणा होता है, है ना, जितनी जिसकी सैलरी। अगर आप 10 रुपए कमाओ तो 1 रुपए खर्च करिए, इतनी दक्षिणा बहुत। इसलिए पहले बोलते थे महाराज संतोष करिए, तो हो भी जाता था, है ना। 10 रुपए वाला एक देता था जो 10 लाख वाला है क्या? तो कहने का मतलब यही है कि भैया अपने आप ये परंपरा है, इसलिए दशांश निकालना चाहिए। कहाँ निकालना? खाली यहाँ नहीं, कहीं किसी कन्या के विवाह में, किसी धर्म में, किसी पुण्य में, आहुति में, भगवान की सेवा में। दशांश अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे किसी माध्यम से, तो हमारा जो बाकी का धन है वो मनी वाइट मनी हो जाएगा, है ना। उस पर कोई टैक्स, उस पर रेट नहीं पड़ेगा। अगर पूरा पचा जाएंगे तो एक रेट पड़ेगा पूरा सीतारा। तो यही बात है, ब्राह्मण देवता पूरे वृत्ति को जानकर अब जहाँ जाते, भूमि दान का संकल्प भूमि मिल जाता, गौ दान का संकल्प गौ मिल जाता, और गौ रखने को जगह ना बची, है ना। तो एक राजा के यहाँ गए, कहा महाराज गाय तो बहुत मिल गई है, भूमि नहीं है। तो महाराज ने कहा भैया भूमि बहुत है मेरे पास, आपको कौन सी चाहिए, ले लीजिए। भूमि दान दे दिया उनको, दान में भूमि पाए, वहां गौ सेवा होने लगी, है ना। वहां सभी प्रकार से पुण्य कर्म होने लगे, मंदिर बनाया, भगवान की सेवा होने लगी। कहते भैया इनका मित्र जो लकड़हारा था, जब गरीबी के बुरे समय का मित्र, वो आकर के पूछता है कि भैया आजकल वो ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने नहीं आते, कहाँ पे है वो ब्राह्मण देवता। लोगों को पूछा, लोगों ने बताया भैया आज तो उनकी बात ही अलग है, अब वो कहीं जाते होते नहीं, वहां जाना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तब मिलेंगे। बोला अच्छा कहाँ है भैया, बोलो देखो आश्रम दिख रहा है, उन्हीं ब्राह्मण देवता। बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना चमत्कार तो संभव नहीं है आज के युग में, है ना। पर आप जानते हैं आज के युग में सब संभव है, है ना। बड़े बड़े, अभी कोई एक फिल्म देखा, कोई इन क्या था वो, एक जो हम लोग बताता हूँ, मन में भी तुरंत वो भाव आया कि आज के जब एक ही जीवन में इतने सारे धन कमा करके और फिर वो चले भी गए। एक कोई बढ़िया फिल्म आई थी, वो शेयर बाजार के कोई थे ना बड़े खिलाड़ी, गुजरात का, हर्षद मेहता, है ना। एक जीवन में इतना संपत्ति कमा लेना जो संभव नहीं, छोटा आदमी इतना, मतलब चमत्कार होता है। आप देखो इतना कमा करके और फिर वो, तो कहने का अभिप्राय ये हमको लगता है कि ये संभव नहीं है। हम टारगेट लेके चलते कि हम मोर देन 1 करोड़ बहुत हो गया महाराज, इतना तो हम लाइफ टाइम में बहुत हो गया। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10-10 साल में अरबों कमाए और अरबों हटा भी दिए। तो ये सब भगवत लीला है, जो संभव आ जाए, इतनी बुद्धि आना, इतना मस्तिष्क आना, कैसे भी हो, चाहे सही मार्ग हो या गलत मार्ग हो। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जीवन में सब कुछ संभव है। ब्राह्मण देवता के पास आज अनेकों संपत्ति, इसी जीवन में लकड़हारे को आश्चर्य हुआ कि क्या ये संभव है। जाकर उसने लकड़ी के गट्ठे को बाहर रखकर अंदर प्रवेश करके पूछा कि वो पंडित जी जो मांगने निकलते तो उनका है ये? बोला हाँ हाँ वही ब्राह्मण है। बोले अच्छा, इतना प्रमोशनल लाइफ में कैसी चमत्कार। बोले जाके देखिए। और जब गंदर गए, देखे ब्राह्मण देवता भगवान का भाव से पूजन कर रहे थे, देखा तो प्रणाम करके पूछा, महाराज ये सब किसने दिया ये संपत्ति? बोले भैया ये तो मेरे ठाकुर जी का है। बोले अच्छा, और ये क्या ये सबको देते हैं? बोले बिल्कुल देते हैं, भरोसा होगा तो, है ना। इसलिए देखो ये बाबा का एक सूत्र है, क्या सूत्र है? श्रद्धा और श्रद्धा तो खूब रखिए, सबर तो करना पड़ेगा, और सबर करेंगे तो मिलेगा, श्रद्धा का फल मिलता है, बिना किए कुछ मिलता नहीं, और किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। ब्राह्मण देवता ने यही सूत्र दिया, लकड़हारा भी लकड़ी को बेचने निकला, दुगुना मूल्य मिला। ब्राह्मण देवता को बुला करके भगवान का पूजन किया, और तब से दोनों ने संकल्प ले लिया, जब जब समय मिलता भगवान का पूजन करते। शरीर को त्यागने के बाद भगवान के श्रीधाम को चले गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीयोध्याय, पुनः ले लीजिए पुष्प। ओम हरि ओम मा। अथ तृतीयोध्याय, भगवान के नाम का संकीर्तन करिए। ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण,
लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय प्रेम करे वृंदावन बिहारी लाल की। तीसरे अध्याय की कथा कहते एक राजा थे अजकशे आसे तुंगध्वजो राजा उल्का मुखो महाप्राज्ञः। कहते उल्का मुख नाम के राजा की कथा। ओ भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोज वदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत। कहते उनकी धर्म पत्नी भी धर्म में सहयोग करने वाली थी। भद्रशीला नदी के किनारे पुत्र प्राप्ति संतान की प्राप्ति हेतु राजा अपने धर्म पत्नी के साथ भगवान का व्रत कर रहे थे। साधु नाम का एक बनिया आया। बनिए ने पूछा कि महाराज किमर्थम कुरुषे राज भक्ति युक्तेन चेतसा, इतने भाव भक्ति से है राजा क्या कर रहे हैं आप? कहा भैया मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? क्योंकि भैया संतान की प्राप्ति के लिए। क्या इससे संभव है? बोले भैया सबने कहा कि अब संभव नहीं है, है ना? तो भैया भगवान बस एक ही सहारा है ना, कि तुमरे बिन हमरा दोनों नहीं, है ना? सबने कहा कि नहीं होगा, है ना? हे भगवान आप हमारी उलझन को दूर करिए। हमारी उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। कहते भगवान के अलावा दूसरा सहारा बचा ही नहीं मेरे पास। बोले अच्छा, तो साधु नाम की बनी ने कहा क्या इससे होगा, भरोसा है? बोले बिल्कुल पूरा भरोसा है और विश्वास है। कहा मुझे भी बताइए। क्यों बताइए? ममापि संततिर्नास्ति ये तत्मज्जायते ध्रुवम्। कहते मेरे पास भी संतान नहीं है, शायद आपकी इस व्रत को करने से मुझे संतान मिले। मुझे पूरी बात बताइए। अब पूरे व्रत को जान करके अपने धर्म पत्नी लीलावती को इस व्रत के बारे में बताया। दोनों ने मनोती मानी है। हे भगवान संतान के प्राप्ति होने पे पूजन करेंगे। दसवें महीने में कन्या की प्राप्ति हुई, नामकरण किया। क्या नाम रखा? नामना कलावती चेत, कल कलावती ऐसा नाम रखा। बेटी पढ़ने लगी, कहा कि अरे आप उनका अब तो भगवान ने हमें संतान दे दिया, अब तो पूजन करिए। कहा कि देवी अब सारा धन समाप्त हो गया, बेटी बड़ी होगी ना, विवाह समये दस्या करिष्यामि व्रतम। प्रिय बेटी के विवाह के समय व्रत करेंगे। पत्नी को समझा करके व्यापार करने गए। पुनः जब लौटे हैं तो कहते हैं भैया पुनः लौटे, बिटिया को विवाह के योग्य देखा, धूमधाम से कांचन नामक नगर में सुंदर बड़े पुत्र देख करके धूमधाम से विवाह कर दिया। लेकिन ततो अभाग्यवशात तेना विस्मृतम व्रतमुत्तम, दुर्भाग्य ऐसा कि भगवान के इस उत्तम व्रत को करना भूल गए, है ना? और इससे क्या मिला? कहते भैया देखो जो परमात्मा सुख देता है वही दुख भी देता है, है ना? जैसे जो माता पिता आपको सारी प्रकार के सुख सुख संपत्ति सुविधा उत्पन्न कराते हैं, वही जब पुत्र गलत मार्ग में जाए तो वो दंड भी देते हैं, है ना, अपने तरीके से। तो भगवान कौन है? कहते तमेव माता सब पिता तमेव। भगवान हमारे माता पिता, माई बाप। भगवान ने इनको दंड दिया है। क्यों दंड दिया? क्योंकि बार बार झूठ बोलता है, है ना? और झूठ बोलने से बहुत सारी समस्याएं आती है ना। इसलिए कहते नाम ही भगवान के पूजन का क्या है? सत्य नारायण। नारायण कौन से? जो सत्य है। और ऐसे सत्य नारायण के व्रत को कहते भैया जब तक जीवन में सत्य नहीं है, और याद रखना एक गृहस्थ में बहुत जरूरी है, पति पत्नी एक दूसरे से हमेशा सच बोलने का प्रयास करें तो आधी समस्या तो सॉल्व हो जाती है।
और समस्या किस बात के लिए कह रहे हैं? ये कि ये झूठ बहुत बोलते हैं महाराज, रहेंगे इधर बताते कि नहीं 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 बस घर के नीचे आ गया, है ना, बहुत झूठ बोलते, यही समस्या है, वो कोई समस्या नहीं, बाकी आदमी एक नंबर है ना। दिक्कत ये कि झूठ बहुत बोलते हैं, इसलिए सत्यनारायण व्रत कथा में एक सूत्र है क्या कि सत्य बोला जाए, जितना हो उतना सत्य वचन है ना। और यही बात जब बताई है तो यहाँ पर भगवत ऐसी कृपा की, भैया तो भगवान ने थोड़ा दुख दिया, क्या दुख दिया, दामाद को व्यापार दिखाने के लिए एक नगर में ले गए और वहां पे कहते भैया वो चोरी में पकड़ा गया, चोरी किया नहीं था, भगवान की माया। एक बार वहां व्यापार करने के बाद एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, विश्राम करने के बाद राजा के धन के राजा के दूत वहां पर आए और देखे दो चोर वहां से धन को चुरा कर दौड़ रहे थे, वो चोरों ने दूतों को देखा जाकर छुप गए, इन्हीं को चोर समझ कर दूतों ने कारागार में डाल दिया, है ना। और भगवान की ऐसी माया, कहते हैं भैया अब यहाँ भी धीरे धीरे समस्या आने लगी, है ना, इनका माना बंद हो गया, धीरे धीरे धन समाप्त हो गया, माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी, भिक्षा मांगते मांगते एक बार मंदिर में पहुंची बिटिया रानी, इसी समय पूजन हो रहा था, भगवान की पूजा का समय कौन सा, यही समय निशा मुख्य, इसी समय पूजन करिए जब रात्रि प्रारंभ होने लगे, सायंकाल गोधूली बेला, अनंत पुण्य देने वाला समय ये है। अब पूजा होने में विलंब हो गया, रात हो गई, रात होने पे घर आई, माँ ने पूछा बेटी इतनी रात्रि कहाँ थी, बेटे ने कहा कि माँ मैंने भगवान का व्रत सुना है। कौन से भगवान का, कहा सत्यनारायण। माँ रोने लगी, क्यों रोने लगी, माँ को याद आई कि जब सबने कहा था तुझे संतान नहीं होगा, तब सत्य भगवान की कृपा से, सत्यनारायण की कृपा से तेरा जन्म हुआ बेटी, लेकिन हम लोग इतने अभागे हैं कि उनको भूल गए, है ना। दुख का क्या कारण, कहते हैं भैया कहा हनुमता विपत्ति प्रभु सोए जब तब सुमिरन भजन न होए। कहते भैया जब तब सुमिरन भजन, हनुमान जी को श्री राम जी ने कहा कि हे हनुमान आप जब लंका में गए बहुत विपत्ति आई ना, बोले नहीं 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 महाराज एकदम विपत्ति नहीं, चकाचक आनंद आया। बोले तो विपत्ति कब आती है, कहते भैया जब आपका भजन नहीं होता, है ना, जब आपकी याद नहीं आती, संसार में हम इतने भटक जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं, ये विपत्ति है, बाकी तो चकाचक आनंद, भगवान आपकी मेरा आपकी कृपा से और सब काम हो रहा है ना, भगवान आप सब करते हो लेकिन फिर भी हम आपको भूल जाते हैं, इसलिए दुखी है, इसलिए यही विपत्ति। माँ ने बेटी को समझाया, बेटी को याद है कहा भैया कि माँ जिस भगवान की कृपा से तेरे मनोकामना की पूर्ति भाई, पहले उनकी शरण में चलना चाहिए, है ना। बोले क्या करो, चलो भैया कल हम लोग भगवान का व्रत करेंगे। माँ बेटी भिक्षा के लिए निकले और जो मिला अगले दिन भगवान का व्रत किया। भगवान ने वहां के राजा को सब दिखाया जहां दोनों कारागार में थे, दोनों निर्दोष है, दोनों को मुक्त कर दो। राजा ने दोनों को मुक्त कर दिया, भगवान की जय जयकार करते हुए अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। जय जय श्री प्रमराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत धायाम तृतीय प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। अथ चतुर्थोध्याय चढ़ा दीजिए। ओम यात्रा मक्षत फूले करके यात्रा तो कृतवान साधु मंगलायन पूर्विकाम ब्राह्मणे भ्योधनंदत्वा तदा तो नगरम्ययो। यात्रा के लिए दोनों निकले, भगवान की ऐसी माया, कहते हैं भैया ब्राह्मणे भ्योधनंदत्वा ब्राह्मणों को धन दे करके मंदिर में भगवान की सेवा करके मंगलाचरण करके दीन दुखियों को कुछ भोजन इत्यादि प्रदान करके दोनों ससुर दामाद अपने घर की ओर निकले, नगर की ओर निकले। और धन के रक्षक दूतों के साथ राजा ने सम्मान पूर्वक विदा किया था, भगवान के मन में पुनः जिज्ञासा भई। भगवान ने एक सन्यासी का रूप लेकर के पूछा बेटे तेरी नौका में क्या है, झूठ बोला, क्या झूठ बोला, कहते याद रखना जो हम इसलिए हमको बच्चों को कोई संस्कार देना हो ना, हमारे यहाँ कहा जाता है कि भैया बचपन से संस्कार दीजिए, है ना। जैसे कोई अगर कोई भी पौधा है बचपन में आप उसको मतलब जब वो छोटा है पौधा है उसको जैसे मोड़ना चाहे उसे मोड़ सकते हो, पर वो जब कठोर वृक्ष बन जाएगा तो मोड़ोगे तो वो टूट जाएगा, इसलिए संस्कार बचपन से दीजिए। और यहाँ पे जो बचपन से जो आदत लग गई है ना वो जीवन पर्यंत, इसलिए कहते हैं भगवान की पूजा के लिए भी बचपन से बच्चों को लगा लगा भगवान का नाम बचपन से लें, तब जाकर के भैया बड़ा बड़े होने पर वृद्धावस्था में मुख से राम नाम निकलेगा, नहीं तो जो जीवन भर किया है वही वृद्धावस्था में निकलेगा। यहाँ भगवान ने पूछा बेटे तेरी नौका में क्या है, जो जीवन भर जो झूठ बोला झूठ ही बोला, क्या कहा, लता पत्रादि कंचैव वर्तते तरणौ मम, तेज पत्ता मसाला ये सब भरा पड़ा है, राजा ने हीरे जवाहरात दिए थे, झूठ बोला। भगवान ने कहा ठीक है बेटे तेरी बात सत्य हो जाए, तेरी सत्यम भवतु ते वचः,
जो हीरे जवाहरात थे सब तेज पत्ता मसाला बन गया, नौका हल्की हो गई, जल में उतराने लगी। दामाद को पूछा कि बेटे समस्या क्या है, दामाद ने बताया बेटा जी सब कुछ चला गया, सब मसाला वसाला भरा पड़ा है, मूर्छितों के गिर पड़े। दामाद ने जगाया, कहा भैया जिसने बिगाड़ा है वही बना सकता है, वो देखो जो बैठे हैं पापा जी उनके पास जाइए दौड़कर। तुरंत गए हैं, रोने लगे। भगवान ने कहा बेटे मारो दी सुन मदवा क्यों मम पूजा बहिर मुख, रो मत बेटे मेरे बात सुन, मेरे कारण मम गया चतुर्बुद्धे प्राप्तम दुख मुहुर मुह, मेरे कारण ही दुर्बुद्धि तुझे बार बार दुख मिला है। तो भगवान से कहा कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, भाव से भगवान से प्रार्थना करने लगे हे प्रभु आप हमको आशीर्वाद, आज की बात कोई अपराध नहीं करूंगा। ओ भगवान से दिव्य प्रार्थना कि हे प्रभु आप अगर आपने अब सहारा नहीं दिया तो ये नैया डूब जाएगी, भाव से प्रार्थना करें। ओ पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो नैया डूब जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो नैया डूब जाएगी, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो नैया डूब जाएगी। प्रार्थना करी हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, भगवान ने कहा ठीक है बेटे क्या चाहिए बता। कहा पुरा वित्तम त्राहि माम शरणागतम, पुराने धन की मेरा मेरे परिवार की रक्षा करिए। भगवान तथास्तु कह के अंतर्ध्यान हो गए, नौका के पास गया, सब कुछ प्राप्त हुआ, धन के रक्षक दूतों को लेकर के आगे पहुंचा है, दूतों को घर भेजा समाचार देने के लिए। दूत घर पे जब आए, माँ बेटी भगवान का पूजन कर रही होती है, जैसे सुना कि सेठ जी नदी के किनारे पधार गए हैं, माँ पूजा को अधूरा छोड़ करके जाती है पति दर्शन के लिए। वहां बेटी भी कहते भैया उसने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, और प्रसाद का तिरस्कार करने के कारण दुख मिला। क्या दुख मिला? कहते भैया जिसके लिए गई पति दर्शन के लिए नदी के किनारे पहुंची और पति ही जल में डूब गया, ऐसा सुना रोने लगी। आकाशवाणी हुई कि साधो तेरी बेटी ने प्रसाद का अपमान किया है। दौड़ करके आई और पुनः प्रसाद को ग्रहण किया। जब नदी के किनारे पहुंची पुनः देखा पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे। भगवान की जय जयकार करी है। प्रेम से बोले सत्य नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अथ पंचमोध्यायः, पांचोध्याय की छोटी सी कथा। श्री परमात्मने नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। कहते भैया आपे तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर प्रसादम सत्य देवस्य त्यक्त्वा दुःखम वापस। कहते तुंगध्वज नाम के राजा की कथा है। क्या हुआ? कहते एकदा सवनम गत्वा, राजा बड़े प्रजापालक थे, अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते, लेकिन ऐसे राजा को भी दुख मिला। क्या हुआ? कहते एकदा सवनम गत्वा, वन में जाकर के बहुत सारे पशुओं को मारने के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठे, क्या देखा? छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा दृष्टवा तो दर्पेण न गत्व न नाम, राजा अभिमान के कारण न गए और न नमस्कार किया। और जब उनको प्रसाद ला करके दिया गया, राजा ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, इसे दुख मिला। क्या दुख मिला? तस्य पुत्र शतन नष्टवा धन धान्यादिकोचय, 100 पुत्र धन धान्य राजा के सभी नष्ट हो गए। राजा को पश्चाताप हुआ, पुनः नगर में आए, ग्वाल बालों को एकत्रित किया, भगवान की कथा सुनी और पुनः जब नगर में पहुंचे सब कुछ प्राप्त हो गया। भगवान की जय जयकार करी है। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्य महाराज कहते भैया या इदो कुरुते सत्य व्रत परम दुर्लभो शृणोति च कथां पुण्यां भक्ति युक्त फल प्रदा। कहते भैया जो भक्ति को देने वाली, जो सभी प्रकार से कामना को पूर्ण करने वाली भगवान के दिव्य कथा को श्रवण करता है, भगवान कहते हैं भैया उसको सब मिल जाता है। क्या मिलता है? दरिद्रो लभते विद्यम, जो दरिद्र है वो धनवान बन जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ भय मुक्त हो जाता है, ये सत्य बात है।
इसमें कोई संशय नहीं है। शरीर को त्यागने के बाद जीव भगवान के धाम को जाता है। कैसे धाम को सब गए हैं बताते, एक वही परमात्मा, एक परमात्मा अनेक रूप लेकर के भक्तों का कल्याण करते हैं, है ना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी दुर्गा बन के, जिस रूप में जो पुकारे भगवान उस रूप में आकर के अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। और बताया कि भैया जो दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता है शतानंद जी, वो सुदामा जी बने हैं और सुदामा जी ने कृष्ण भक्ति करी, भगवान के श्री धाम को गए। और जो लकड़हारा है कहते हैं वो केवट राज बने, उन्होंने क्या किया, राम जी का चरणामृत पान किया, है ना। चरणामृत पान करने के कारण भगवान के साकेत धाम को गए। जो महाराज उल्कामुख नाम के राजा हैं, संतान की प्राप्ति के लिए जो पूजन करते हैं भैया, वो जन्मांतर में महाराज दशरथ जी बने, पुत्र रूप में राम जी आए, है ना। और राम राम कहते हुए तन को महाराज जी ने सर्वान भागवत, जितने भी भागवत कर्म है, धर्म कर्म है, उसको किया और भगवान के श्री वैकुंठ लोक को गए। और छोटे छोटे जो ग्वाल बाल है, वो ग्वाल बाल जन्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करने वाले ग्वाल बाल बने, कृष्ण भगवान की भक्ति करी और ठाकुर सेवा के कारण भगवान के श्री गोलोक धाम को गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, चढ़ा दीजिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ में जल लीजिए अनेक देना कथा श्रवणा के कर्म नहीं देना, परमात्मा श्री सत्यनारायण देव प्रियंता छोड़िए ना ममा। चलिए कुंड सामने लीजिए।